सामग्री। आज हम आपको ऊन से केटल कवर बनाना सिखाते हैं, जो कि बनाने में बहुत आसान। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इसमें ग्रे कलर की बड़ी केटल पे मैंने कवर बनाया हुआ है, छोटी केटल जो है आपके सामने, इसका हम कवर बनाना सिखाएंगे। आप किसी भी साइज को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी साइज पर ये बना सकते हैं। इसके ऊपर आपको फ्लावर भी नज़र आ रहे हैं, लीव्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। इसको जैसे इसका कवर है, बिल्कुल इसी तरीके का हम छोटी कैटल के लिए भी बनाएंगे। लीव्स मैं बता चुकी हूँ और फ्लावर मैं आपको अगली किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ग्रे कलर हम चूज़ किया है, ये 4-ply वूल है इसके लिए। और जो मैंने क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है वो साइज 3.5 mm है। सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद आप चेन्स, इतनी चेन्स आपने बनानी है जितनी के आपके कैटल की हाइट है। वो बड़ी कैटल है उसके ऊपर तकरीबन 20-22 के करीब थे, और ये कैटल छोटी है तो इसके लिए मैं तकरीबन 15-16 स्टिचेस डाल दूँ चेन के। आप अपनी कैटल के अकॉर्डिंग जितने चाहें वहाँ पर बना सकते हैं। आप इसको मेजर करके देख लें कैटल के साथ कि ये कितनी है हाइट। मेरे ख्याल ये मुनासिब है। बस अब इसकी फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो बनाने के लिए सबसे पहले एक चेन बना ली, और उसके बाद इसके फ्रंट के दोनों लूप छोड़ के इसके बैक के जो लूप है उसमें से आपने स्टिच उठाना है। मेहनत है लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। और सिंगल क्रोशिया बनाना है, पूरी लाइन इस तरीके से कि बैक लूप से आपने बनाना है। और पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया की रखेंगे तो आसानी से बन जाएगी। लास्ट कहीं लूप पे इसको उठाएं और इस तरह से इस रो का एंड हो गया। ये एक रो बनकर तैयार हो गई है। अब आप एक चेन बनाएं और पलट लें, उसके बाद आपने जरा गौर से देखें कि किस तरह से फर्स्ट स्टिच जो इस वक्त हुक पर है वो फर्स्ट स्टिच काउंट होगा, उसके बाद सेकंड स्टिच को जो अपनी तरफ का है, सामने वाले दोनों ऊपर वाले दोनों लूप छोड़कर अपनी तरफ का जो लूप है उसको उठाना है। ये मैं जिस तरह से उठा रही हूँ इसको इस तरह से उठाएंगे तो ज़रा आसानी होगी। फिर देखें किस तरह से, यूं भी उठाया जा सकता है लेकिन इस तरह से उठाने से आसानी होगी। और ये भी सिंगल क्रोशिया ही बनाना है लेकिन अपनी साइड के फ्रंट वाले लूप में से आपने बनाना है। इस तरह से पूरी लाइन मुकम्मल कर लें। लास्ट वाला स्टिच आप नॉर्मल जैसे लिया जाता है सिंगल क्रोशिया उसी तरीके से आप लेंगे। बस ख्याल रहे कि स्टिचेस मुकम्मल हो, काम या ज़्यादा ना हो। एक चेन बनाकर फिर इस काम को पलट लें और उसी तरीके से तमाम रो इसी तरीके से, जितनी भी लेंस आपने बनानी है वो इसी तरीके से, अपनी साइड का जो आपका लूप है उसको आपने क्रोशिया हुक पर उठाना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब आपको ये
भी केटल की गुलाई के बराबर उस वक्त तक बनाते रहें जब तक कि इसकी गुलाई मुकम्मल नहीं हो जाती। देखिए मैं इस वक्त तकरीबन 20 के करीब लाइंस बना चुकी हूँ और इसी तरह से आगे जारी है। ये काफी और बनना बाकी है, इसी तरह से आप बनाते चले जाएं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये हमारी केटल के बराबर हुआ है या नहीं। इसको मेयर कर लें इसके साथ लगाकर। एक या दो लाइंस का फर्क रह गया है और बाकी ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बस वो एक दो लाइंस हम और बना लेते हैं, बस ये केटल का कवर मुकम्मल। अब उसके बाद इसके ऊपर वाले साइड पर आपने, अगर आप डोरी बुलाना चाहते हैं उसको टाइट करने के लिए, तो इसमें हम इस तरीके से दो चेन्स बनाकर और एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन्स बनाएंगे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से ये पूरी लाइन आपने मुकम्मल कर ली है। ये गैप जो है इसमें से हम डोरी बना सकते हैं। और इस तरह से ये हमारे पास ऊपर की लाइन में होल्स आ गए जिस पे हम डोरी बुला सकते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस तरह नीट भी हो गया, और अगर आप चाहें तो इसमें डोरी बुला सकते हैं, पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। अब हमने इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा इसको बेयर करना होगा कि आपकी कैटल में जो नोजल का पॉइंट है उसमें हमें कितना एरिया छोड़ना, कितने स्टिचेस छोड़ने होंगे। स्टिच मार्कर ले लें, अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप किसी भी ऊन के किसी भी सेफ्टी पिन से आप इसको निशान कर सकते हैं या अंदाजन से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तीन स्टिचेस तकरीबन नीचे छोड़े हैं और चार स्टिचेस ऊपर छोड़ के स्टिच मार्क कर आप ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ना है। एक यहाँ से उठाएंगे और एक दूसरे हिस्से में से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच सॉरी बनाएंगे और इसको आपस में स्टिच कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। और इसी तरीके से ये फोर्थ स्टिच स्टिच मार्क को निकाल दें और यहाँ पर एक इस तरह से सिलाई होगी। अब इस गैप को हमने खाली छोड़ना है और यहाँ पर आप अलहदा करके सिर्फ एक स्लिप स्टिच पूरी लाइन में बना देंगे और दूसरे हिस्से तक चल जाएंगे। ये हो
बार नेक्स्ट फिर इसको कृषि की मदद से ही लास्ट में से जोड़ देंगे। एक लूप यहाँ से लेंगे और एक स्टिच से, और इनको भी उसी तरीके से स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ देंगे। अगर आप चाहें जैसे कि मैंने किया है इसको डेकोरेट करने के लिए नीचे वाले हिस्से में मैंने यहाँ पर पीपॉट बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक चेन और इस जो स्टार्टिंग थ्रेड है इसको बीच में ही अंदर ही बुनते जाएं। एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन्स बनाए और इसको बैक से इस तरह से आपने बैक से उठाना है और एक सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से ये पीकॉट फिर बन जाएगा। फिलहाल से कहते हैं मोती बन जाएंगे, बस इसी तरीके से ये आप लाइन मुकम्मल कर लें। ये देखें इस तरीके से कैटल का है कवर का नीचे वाला हिस्सा खूबसूरत नजर आएगा। अभी हम इसको यान को कट करते हैं और इसको इसके साथ सुई की मदद से या क्रोशे की मदद से जैसे आपको इजी लगे आप इसको अंदर स्टिच कर दें। आगे को हमेशा बढ़ाकर छोड़ें और उसको अंदर ही बुन दिया करें, वरना ये है कि खुलने का डर होता है, नॉट खुलने का डर होता है, थोड़ा बहुत धागा छोड़ना होता है। ये हमारे कैटल का बेस कवर तैयार हो गया। अब हम इसको कैटल पर चढ़ाकर आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसके ऊपर वाले पोज में आप चाहें तो यहाँ पर आप डोरी पर हो सकते हैं। अब इसके नीचे वाला हिस्सा देखें, इसको उठाएं तो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत करने से आप खूबसूरत कवर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इजाजत दें, इंशाल्लाह इसका ऊपर वाला कवर भी आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।